मूवी की शुरुआत में विल को दिखाया जाता है जो कि दो सुपर हीरोज का बेटा है और उसके पेरेंट्स सुपर हीरोज की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो हैं। एक दिन विल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी उनके साथ मिलकर दुनिया को बचाने में मदद करेगा। आज विल का स्काई हाई में पहला दिन है जो कि सुपर हीरोज का स्कूल है। स्कूल से पहले विल के पिता को मेयर की कॉल आती है और उन्हें विल की माँ के साथ दुनिया को बचाने जाना होता है। जाने से पहले वो विल को बताते हैं कि ज्यादातर बच्चों के हाई स्कूल में बस एक ही पेरेंट सुपर हीरोज है, विल की तरह दो नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा शो ऑफ न करे। पेरेंट्स के जाने के बाद विल टीवी ऑन करता है और वो और उसकी बचपन की दोस्त लियाला मिलकर उसके पेरेंट्स को एक जाइगेंटिक रोबोट को डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं और बैटल के बाद टाउन में रायट करते हैं। कमांडर रोबोट का हेड याद के लिए लेके आ जाते हैं। अगले सीन में विल और लियाला को स्कूल बस में चढ़ता हुआ दिखाते हैं और लो प्रोफाइल रहने के बावजूद विल को बस में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उसके पेरेंट्स की वजह से। जब आखिरी स्टूडेंट बोर्ड करता है तो वो रियलाइज करता है कि ये एक नॉर्मल बस नहीं है, बस एक रैंप के ऊपर से ड्राइव करके बहुत गहराई में नीचे की तरफ जाती है, जिस वजह से बस में बैठे सभी स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाते हैं और एकदम से वो एक प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उड़ती रहती है। वो जल्दी हाई स्कूल पहुंच जाते हैं जो कि हवा में ऊंचाई पे फ्लोट कर रहा है। स्कूल की लोकेशन सीक्रेट है ताकि विलेंस को पता न चले। फ्रेशमैन और काफी सारे स्टूडेंट्स को कैंपस में देखते हैं जो अलग अलग सुपर पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स उड़ रहे हैं, एक के पास लेजर विजन है और एक लोगों को फ्रीज कर सकता है। चीयर लीडर का एक ग्रुप अपने चीयर रूटीन के साथ फ्रेशमैन का कैंपस में स्वागत करता है। रूटीन के एंड में नए स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि बस एक चीयर लीडर है जिसके पास खुद को डुप्लीकेट करने की पावर है, लेकिन सारे पुराने स्टूडेंट्स इतने वेलकमिंग नहीं है और बाकी स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बुलीज हैं। दो बुलीज फ्रेशमैन के ग्रुप के पास आते हैं और $15 हर एक बच्चे से स्टूडेंट फीस के नाम पर डिमांड करते हैं। लकली स्टूडेंट बॉडी की प्रेसिडेंट ग्वेन वहां से उन्हें दफा कर देती है। विल ग्वेन को पहली नजर में देख के इतना मदहोश हो जाता है कि लियाला को बेचैनी होने लगती है। इससे पहले कि फ्रेशमैन अपनी क्लास शुरू करे उन्हें पहले टेस्टिंग करना मैंडेटरी है ताकि उन्हें पता चले कि वो सुपर हीरोज बनेंगे या फिर साइड किक्स। हर एक स्टूडेंट स्टेज पे जाके अपनी पावर टीचर के लिए परफॉर्म करता है जो कि ये डिसाइड करता है कि वो किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। स्टेज पे आने के बाद विल के पास टीचर के आगे कन्फेस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि उससे नहीं पता कि उसकी सुपर पावर क्या है। उसकी बात का भरोसा न करते हुए टीचर विल के ऊपर एक गाड़ी को गिरा देते हैं और विल एकदम सही समय पर फ्लैट हो जाता है ताकि वो मरे ना। इवेंचुअली टीचर विल पे भरोसा करके उसको साइड किक होना असाइन कर देते हैं। नर्स के ऑफिस में वो विल को बताती है कि ऐसे चांसेस हैं कि वो कभी कोई सुपर पावर डेवलप न कर सके, इसका है कि बस ड्राइवर की तरह। अब स्कूल के बाद विल अपने पिता को सच बताने की कोशिश करता है कि उसके पास सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताए उसके पिता उसे अपने सीक्रेट सैंक्टम में लेके जाते हैं और उसके पेरेंट्स की बड़ी बड़ी बैटल्स की यादगार चीजों से सजी है। अब ये देखने के बाद अपने पिता को सच बताने की हिम्मत विल के पास नहीं है। दूसरी तरफ उस सुबह की बैटल से आया हुआ वो रोबोट सीक्रेट सैंक्टम की एक चेयर पर बैठता है और उसके जरिए दो मिस्टीरियस लोग विल और उसके पिता को एक मॉनिटर पे देखते हैं। अगले दिन क्लास में स्टूडेंट साइड किक बनने के बारे में सीखते हैं। एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि वो कब अपने सुपर हीरो चुन सकता है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि साइड किक्स को उनका नाम और कॉस्ट्यूम चुनने नहीं मिलती है। ये सब कुछ सुपर हीरो के द्वारा डिसाइड किया जाता है जिसके साथ उनको पेयर किया जाएगा ग्रेजुएशन के बाद। फिर पता चलता है कि उनका टीचर एक टाइम पे कमांडर का साइड किक था, पर वो ये जानकर बहुत ही डिसअपॉइंट होता है कि विल के पेरेंट्स ने कभी भी विल के सामने उसके बारे में नहीं कहा। अब स्टूडेंट्स इसका है कि लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे गैजेट्स को इस्तेमाल करना सीखते हैं, जैसे कि नेट्स और यूटिलिटी बेल्ट्स और कॉस्ट्यूम में कैसे चेंज होना है और पोज करना है। विल अपने क्लास के बाकी साइड किक से दोस्ती करता है। अब एक रात वो सब उसके घर में पढ़ रहे होते हैं जब उसके पापा घर जल्दी आते हैं और विल के दोस्तों से मिलकर उनकी पावर्स के बारे में पता करते हैं। उसके पिता अंडरवेलम फील करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि साइड किक होने में कोई गलती नहीं है और वो अपने साइड किक का नाम याद करने की कोशिश करते हैं पर उसे याद नहीं कर पाते। विल बहुत हिम्मत जोड़ के अपने पिता को बताता है कि वो भी एक साइड किक है, जिससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी को किचन के एक काउंटर पे मारता है जिस वजह से वहाँ पर रखी चीजें जम करती हैं। उसके पिता उस टीचर पे इल्जाम लगाते हैं जिसने टेस्ट दिया क्योंकि उसने बस विली को छोटे होने के कारण साइड किक बना दिया। उसके पिता फोन उठा के शिकायत करने के लिए स्कूल में कॉल करते हैं पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और अपनी सुपर स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर सकते और वो फोन को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। विल अपने पिता को बताता है कि इसमें उसके टीचर की कोई गलती नहीं पर उसके पास सच में पावर्स नहीं है। उसके पिता डेस्परेटली उसको एश्योर करते हैं कि एक दिन उसके पास भी पावर होंगी, पर विल बोलता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे एक साइड किक होने पे गर्व है। अब उसके मम्मी और पापा अपने डिसअपॉइंटमेंट से जूझते हैं और इवेंचुअली फैसला करते हैं कि एक परिवार होना भी उतना ही जरूरी है जितना एक सुपर हीरो फैमिली होना। अगले दिन स्कूल के बुलीज अपने पावर का इस्तेमाल करके बस ड्राइवर से लड़ाई छेड़ते हैं और
कोई पावर न होने के बावजूद भी विल उन पुलिस के खिलाफ खड़ा होता है। लंच के टाइम पे वो पुलिस अपना बदला लेते हैं विल को जानबूझ के गिराकर, जिस वजह से उसका खाना वैरन पे गिर जाता है। और वैरन एक सुपर हीरो और विलन का बेटा है और वे विल के पापा हैं जिन्होंने वैरन के पिता को जेल में डाला है। अब जो विल ने किया है उससे गुस्सा होकर वैरन उस पर लगातार फायरबॉल्स फेंकता है जो किसी तरह उन्हें डोज करता है और टेबल्स के नीचे क्रॉल करके बचने की कोशिश करता है। जब विल के दोस्त खड़े होकर उसको डिफेंड करते हैं तो वैरन अपना गुस्सा उन पे भी निकालता है जिससे विल अपसेट हो जाता है और वो टेबल उठा देता है। वैरन हवा में खड़ा होकर अपनी सुपर स्ट्रेंथ को रिवील कर रहा है। विल टेबल को पलटता है और वैरन सीलिंग में चला जाता है। जैसे ही वो विल की तरफ हमला बोलता है विल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसकी आग बुझाता है और प्रिंसिपल वहाँ जाती है और उन दोनों को डिटेन कर देती है। विल वैरन के साथ शांति बनाने की कोशिश करता है और उसके फादर दुश्मन है वो दोनों नहीं, पर वैरन कोई शांति नहीं बनाना चाहता। जब विल घर वापस आता है तो उसके पिता बहुत खुश हैं कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसे एक्सबॉक्स तोहफे में देते हैं। रोबोट की आंखों के जरिए दो मिस्टीरियस लोग अपना रिवेंज प्लॉट करते हैं। अगले दिन विल को हीरोज की क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपनी पहली क्लास में विल को ग्वेन के साथ काम करने का मौका मिलता है जो कि एक फ्रिज बनाने का था, लेकिन विल टेक्नोलॉजी के साथ होपलेस है इसीलिए ग्वेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके लिए रे बनाती है। अब लंच के दौरान विल ग्वेन और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठता है जो उसके बाकी फ्रेंड्स को साथ बैठने नहीं देते क्योंकि वो बस साइड किक्स हैं। विल बहुत ही बुरा फील करता है और लियाला से उसके फेवरेट रेस्टोरेंट पेपर लेटन में चलने को बोलता है। तभी उसको सुनाई देता है कि उसका दोस्त उसे मदद के लिए बुला रहा है। कॉर्नर टर्न करके विल देखता है कि पुलिस उसके दोस्त को लॉकर्स में ठूस रहे हैं तो वो उनसे अपने फ्रेंड को बाहर निकालने को कहता है। विल के दोस्त पुलिस के साथ एक शर्त लगाते हैं कि अगर विल सेव द सिटीजन नाम की गेम उनसे जीत गया तो वो पुलिस उन साइड किक्स को पूरे साल अकेला छोड़ देंगे। अब दिखाते हैं कि गेम के अंदर मैनीक्विंस को खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया जाता है। पुलिस की टीम विलन है और विल और उसका पार्टनर हीरो और उन्हें मैनीक्विंस को डिस्ट्रॉय होने से पहले बचाना है। जैसे ही गेम शुरू होती है तो विल को वैरन के साथ पेयर अप किया जाता है। विल लगातार पुलिस द्वारा नॉकआउट हो जाता है। इवेंचुअली इससे थक के वो जोर से फ्लोर पर पंच करता है जिस वजह से विलन उठ जाते हैं। वो जल्दी से एक विलन को बांधता है और दूसरी तरफ वैरन बाकी के विलन पर लगातार फायरबॉल फेंक रहा है। वो विल पे मैनीक्विंस बचाने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वही गेम जीतने का इकलौता रास्ता है, लेकिन उसी टाइम विलन वैरन की अराउंड भागना शुरू कर देते हैं। वैरन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि विलन की पावर उसकी ऑक्सीजन सक कर रही है। अब वैरन को परेशानी में देखकर विल उसे बचाने का फैसला लेता है। वैरन को बचाने के बाद विल उसे टॉस करता है जिस वजह से वो मैनीक्विंस को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है और विल स्टूडेंट द्वारा चीयर किया जाता है। बाद में जब विल घर लौटता है तो वह ग्वेन को अपने किचन में पाता है। ग्वेन डिनर के लिए रुकती है और पूरी फैमिली अच्छा टाइम बिता रही है। ग्वेन विल के पेरेंट्स को गेस्ट ऑफ ऑनर बोल के होमकमिंग डांस में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ लियाला पेपर लेटन में अकेली बैठकर विल का इंतजार कर रही है। वो वहाँ काफी देर से है और एक वेटर उसके पास आता है और पता चलता है कि वो वैरन है। जब वैरन और लियाला बातें करते हैं वो एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। विल ग्वेन से होमकमिंग में चलने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। अगले दिन विल लियाला से बस स्टॉप पे मिलता है और उससे गुस्सा होने की जगह कि वो कल क्यों नहीं आया, लियाला उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस में चलोगे। विल एक्साइटेड होकर बताता है कि वो ग्वेन के साथ जा रहा है और स्माइल करके लियाला उसके लिए खुश होने का नाटक करती है। बाद में वो झूठ बोलती है कि वो होमकमिंग में वैरन के साथ जा रही है। विल इस न्यूज से अपसेट है क्योंकि वो वैरन को अपना दुश्मन मानता है और विल से गुस्सा होकर लियाला लंच पे वैरन के साथ बैठ जाती है और उसको बताती है कि वो दोनों होमकमिंग पे साथ जा रहे हैं। इससे पहले कि वैरन ज्यादा बोलता लियाला के सब दोस्त उसके अराउंड बैठ जाते हैं और वैरन खुशी खुशी प्रॉम के लिए मान जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि इससे विल को कितनी परेशानी होगी और स्कूल के बाद उसी दिन एक्सीडेंटली विल के घर पे पार्टी है जब उसके पेरेंट्स घर में नहीं है। पार्टी के दौरान विल ग्वेन को सीक्रेट सेंटम में लेके जाता है और जब वो किस कर रहे होते हैं तो एक सोवेनियर बैकग्राउंड से सीक्रेटली चोरी हो जाता है और लियाला एक्सीडेंटली पार्टी के बारे में जानती है और घर में आ जाती है जहाँ ग्वेन उसे दूर भगा देती है। जब विल को पता चलता है कि क्या हुआ तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और ग्वेन को डंप करता है और सब लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। बाद में वो लियाला से माफी मांगने के लिए उसे कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती। वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो उसे आके पेपर लेटर में मिले पर वो कभी नहीं आती। होमकमिंग की रात विल सीक्रेट सेंटर में बैठता है और उसके पेरेंट्स डांस के लिए जाते हैं। अपने पेरेंट्स की पुरानी ईयरबुक रिफिल करने के बाद विल नोटिस करता है कि एक स्टूडेंट की रिजेम्बलेंस है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा की कलेक्शन से रेगन मिसिंग है। वो मदद के लिए बस ड्राइवर को फोन करता है जो उसे स्कूल ले जाता है। दूसरी तरफ डांस में ग्वेन खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर विंग अनाउंस करती है। वो रे गन का इस्तेमाल करती है जो उसने सीक्रेट सैंक्टम से चुराई है और सब सुपर हीरोज को बेबी में बदल देती है। ग्वेन के दोस्त और स्कूल के पुलिस जो सब जिम के अंदर हैं, पर वैरन और साइड किक्स किसी तरह वेंट्स में एस्केप कर लेते हैं। विल फाइनली स्कूल पहुंचता है और अपने दोस्तों से माफी मांगता है। हॉलवे में लियाला और उसके दोस्त अपने विलन क्लासमेट्स के खिलाफ जंग लड़ते हैं और दूसरी तरफ विल ग्वेन के पीछे जाता है। बेबी कमांडर को अपने बाजू में पकड़ के ग्वेन अपना प्लान रिवील करती है कि वो बेबीज को पाल के
बड़ा करना चाहती है ताकि वो विलन के लिए एक सुपर हीरो स्कूल बना सके। पर पहले वो स्काई हाई को डिस्ट्रॉय करना चाहती है क्योंकि उसने उसकी जीनियसनेस को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर पता चलता है कि पास्ट में कमांडर के साथ हुई जंग में ग्वेन एक बेबी में बदल गई थी। उसने बहुत साल इंतजार किया है अपना बदला लेने के लिए। जब विल वहां आता है तो वो उसे बहुत सारी दीवारों के थ्रू स्मैश करती है। लियाना और उसके दोस्त अपने विलेनियस क्लासमेट को हराते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि ग्वेन ने स्कूल के एंटी ग्रेविटी डिवाइस से छेड़खानी की, जिसका मतलब है कि वो स्काई से बाहर जाकर गिरेगा और अगर उन लोगों ने एस्केप नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे। साइड किक्स उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करते हैं। ग्वेन के साथ लड़ाई के दौरान विल को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है और वो फ्लोटिंग कैंपस से बाहर गिरता है। कुछ देर बाद विल खिड़की में अपनी दोनों पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आता है। विल ग्वेन को हरा देता है और बाहर बस ड्राइवर ग्वेन के साइड किक को हरा देता है जो उन बेबीज को चुराने की कोशिश कर रहा है। ग्वेन अकेले में अपने डिवाइस को ऑन करती है और स्कूल स्काई से बाहर गिरना शुरू हो जाता है। विल इमीडिएटली स्कूल के नीचे उड़ के जाता है और अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विल की सुपर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा था। जब बस ऐसे लगता है कि स्कूल पृथ्वी में क्रैश करने वाला है तो उसका दोस्त डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से स्कूल वापस एंटी ग्रेविटी कैपेबिलिटीज रिगेन कर पाता है। विल स्कूल को वापस हवा में उड़ा लेता है और एंड में बेबीज वापस नॉर्मल हो जाते हैं और साइड किक्स को फाइनली रियल हीरोज की रिकॉग्नाइज मिलती है। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कमेंट्स में बताना कि अगर आपको सुपर पावर्स मिल सकती है तो आप क्या क्या कर पाते। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।